जिनाड़म उसे हादी जिने वराणम छामी पाइये वागरणम। हम सभी लोग सिद्धम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह व्याकरण जिसके अंतर्गत अपन पूर्व की कक्षाओं में है 8 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। नौवां सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, जिसे आज हम उदाहरणों के साथ समझेंगे। इस प्राकृत व्याकरण में अभी संधि का प्रकरण चल रहा है। प्रारंभ से व्याकरण इस व्याकरण में सिखाई गई है, जहाँ से संधि किस किस शब्द की होती है, किसकी नहीं होती है, कहाँ कौन से व्यंजन का किस स्वर का दीर्घ हृस्व होता है, किसका लोप होता है, ये सारी चीजें इस व्याकरण में समझाई गई हैं। हमने सूत्र नंबर देखा 9। इस नौ नौवे नंबर सूत्र का सूत्र है त्यादे। त्यादे त्यादे का अर्थ होता है जो धातुओं में क्रियाएं होती है ना, वर्तमान काल और जो वाक्य बनाते हैं अपन, उन वाक्यों में जो क्रिया यानी धातु बोलते हैं जिसको, धातु क्रिया एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है, अर्थात उनमें जो ई आदि स्वर्ग दीर्घ पर संधि नहीं होती। मतलब यदि धातुओं का जो वर्तमान काल प्रत्यय होता है, वर्तमान काल प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, ती ता और अंति, संस्कृत के अनुसार ये प्रत्यय वर्तमान काल के धातुओं में लगते हैं। अर्थात इन प्रत्ययों में जहाँ ये लगे होंगे उसके बाद में वो क्रियाओं के साथ लगे होते हैं, तो वह संधि नहीं होती। कैसे नहीं होती संधि, अभी अपन उदाहरणों से देखेंगे। और यदि सजाती स्वर आ जाए, सजाती मतलब एक ही जाति के स्वर आ जाए, जैसे आ आके आगे आई आए, तो भी संधि नहीं होती। इस सूत्र का अर्थ है त्यादे मतलब ती आदि प्रत्ययों में संधि नहीं होती, क्योंकि संधि का ऊपर से विवरण चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। इस कारण से इस सूत्र से यह अर्थ निकला कि ती आदि प्रत्ययों में संधि नहीं होती, अर्थात तीतः अंति जो प्रत्यय है उनमें संधि नहीं होती। उदाहरण देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले नंबर का उदाहरण है भवति यह, भवति यह इसके प्राकृत बनेगी होई यह। तो आप देख रहे हैं इस शब्द में जो भवति है ये क्या है, ती प्रत्यय लगा हुआ है, यानी वर्तमान काल का शब्द है, भव धातु है जो भू धातु कहलाती है, इसका भव आदेश हुआ है, तो ये भव धातु है और उसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसके बाद जो भी स्वर आए, यानी जैसे ई स्वर आए, तो इसमें संधि नहीं हुई है, इसीलिए इस भवती का प्राकृत में बनता है होई, और ई है शब्द प्राकृत का ही है, अर्थात ऐसा कि ऐसा रहा, तो इन दोनों में आपस में संधि नहीं की इस सूत्र के अनुसार। इसको हम बनाएंगे भवति इह से होई इह, कैसे बना, ये इह जो है वो संस्कृत का अव्यय कहलाता है, और उसका प्राकृत में रूप वैसे ही का वैसा रहता है, यानी प्राकृत में भी वो अव्यय ही है। अर्थात सूत्र नंबर 3Y139, तीन वाय 139 नंबर का सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप अच्छे से देखें। त्यादि नामाद्य, त्यादि नामाद्य त्रयस्या जस्य चे चौ। ये सूत्र है त्यादि नामाद त्रयस्याद्यस्य चे चौ, यानी इस सूत्र से जो ती आदि प्रत्यय हैं उनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाता है, ती प्रत्यय के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ठीक है,
इस सी के स्थान पर ई आदेश करेंगे। भव ई और ई है, ऐसा ही लिखा जाएगा। फिर जो भवई भवई जो लिखा हुआ है, इस भव धातु के स्थान पर भी होई आदेश हो जाएगा। वो किस सूत्र से होगा? जो 4 वाय 60 नंबर का सूत्र है, 4 वाय 60 नहीं, चौथे अध्याय का 60वें नंबर का सूत्र है, भुवेर हो हवा, यानी भूव धातु का हो और होई आदेश हो जाता है। यहाँ पर हमने जो भू धातु है संस्कृत की, उसका रूप भव प्राप्त हुआ, उस भव से होई आदेश किया, भव का होई आदेश किया, यानी इसके स्थान पर होई होई नहीं, अकेला हो आदेश किया, भव के स्थान पर अकेला हो आदेश किया है, तो होई ई है, ये रूप हमको प्राप्त हुआ। इसमें संधि नहीं होगी, तो 1 वाय 9 नंबर के सूत्र से संधि नहीं की है। ठीक है, यानी ये वाला सूत्र जहाँ विभक्ति लगी हुई है वहीं प्रयोग में होगा, यानी विभक्ति के बाद में कोई ना कोई अव्यय या कोई विशेषण, कुछ कोई दूसरा शब्द आएगा, तो विभक्ति जो होगी वो कौन सी होगी? वर्तमान काल आदि धातु के साथ में जो सी आदि प्रत्यय लगे होंगे, तभी इसके बाद में ये सब सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण एक और देखते हैं, भणामि इदम्। भणामि इदम्, इसकी प्राकृत बनेगी, ये प्राकृत का ही शब्द है, भणामि इदम् की भणामि इदम् ही बनेगी। और एक और उदाहरण दिया, भणसी ईश्वरम्, अर्थात ये दोनों उदाहरण यहाँ इस पुस्तक में दिए हुए हैं, जिनमें ये उदाहरण के लिए आपको त्यादे सूत्र का प्रयोग करना है, और इनको आपको अब स्वयं बनाना है, जो आपको समझ ना आए फिर आप पूछ सकते हैं। ये भणामी वाला जो है, ये कौन से पुरुष का प्रत्यय लगा हुआ है? उत्तम पुरुष का। जैसे यहाँ पहले वाले उदाहरण में प्रथम पुरुष का प्रत्यय लगा हुआ था, ऐसे ये मी जो प्रत्यय लगा हुआ है भण धातु में, ये उत्तम पुरुष का प्रत्यय लगा हुआ है, और ये सी लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष का प्रत्यय लगा हुआ है। दोनों के बाद में जो अव्यय, इसके बाद अव्यय आया इदम, यानी ई है, तो इसकी ई स्वर में और इसमें संधि नहीं होगी। और ऐसे ही ये भणामी ईश्वरम में भी इस ई में और इस ई में संधि नहीं होगी। इस सूत्र के माध्यम से हम इतना समझ सकते हैं। आगे अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 10। नंबर 10 भी बहुत छोटा सूत्र है, लुक। लुक, लुक का अर्थ है लोप होता है। अभी तक जितने सूत्र चल रहे थे वो संधि नहीं होने वाले चल रहे थे, प्रारंभ के जो 3-4 सूत्रों को छोड़ करके संधि होने या संधि नहीं होने वाले सूत्र चल रहे थे, लेकिन यहाँ जो 10वें नंबर का सूत्र है ये कह रहा है लुक। लुक यानी लोप होता है। किसका लोप होता है? तो स्वर के आगे आगे यदि स्वर हो, तो जो 2 स्वर हुए ना, उनमें से एक स्वर का लोप होता है। स्वर के आगे यदि स्वर है तो एक स्वर का लोप होता है, ऐसा इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है ना। तो इसको अपन उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। उदाहरण लिखेंगे, त्रिदश ईशः, त्रिदश ईशः, ये उदाहरण है।
अब इस उदाहरण में कह रहे हैं इसकी प्राकृत बनानी है, तो प्राकृत बनेगी इसकी तीय शीशो, तीय शीशो। सबसे पहले आप देख रहे हैं अंत में जो विभक्ति लगी हुई है नी, प्रथमा एक वचन की विभक्ति लगी हुई है, विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको ओ करेंगे। कौन से सूत्र से? 3/2, अतः सेड़ो सूत्र से, जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द का हाँ ओ हो जाता है। तो 3/2 नंबर का सूत्र यहाँ लिखेंगे, जिसमें पुल्लिंग सी प्रत्यय लगाएंगे, सी प्रत्यय का ओ की प्राप्ति हुई अपन को। तो यहाँ लिखा त्रिदश ईशो, ये बना। फिर जो सा है, इस तालब्य सा को क्या बनाना है? दंत सा। तो सूत्र नंबर क्या है? ये पूर्व में आप लिख चुके हैं, तो 1/260 नंबर का सूत्र है, जिसे तालब्य सा का दंत सा आदेश होता है। तो दोनों जगह पे यहाँ भी कर देंगे अपन आदेश, और उसके बाद में भी कर देंगे। त्रि दस ई और सो, त्रि दस ई सो। अब क्या किया? जो सा और जो ई, ये दोनों है ना, इसकी संधि कर दी। सा में क्या है? आ, और उसके बाद में ई स्वर है, तो इसकी संधि कर दी। तो संधि करने से शब्द क्या बनेगा हमारे पास? संधि किससे की? 1/5 से संधि कर दी, पदयो संधिर्वा, है ना। तो इस सूत्र से किया, तो त्रिदशी सो। अब दा का लोप करना है, तो 1/177 नंबर सूत्र, जिससे दा व्यंजन का लोप किया, का गा चा जा तादा पायवाम प्रायो लोप, तो सूत्र से इसका लोप किया, तो आ शेष बचा और त्रियसी सो। त्रि में रा लगा हुआ है, उस रा व्यंजन का लोप करने के लिए 2/79 का सूत्र, सर्वत्र लवराम बंदरे, उससे रा का लोप किया, तो यहाँ बचा सीसो। तो 1/10 नंबर के सूत्र ने क्या काम किया यहाँ पर? 1/10 नंबर से अपन ने किया है इस आ का, ये सा में और ई में संधि, अर्थात जो लोक हुआ है, लुप्त हुआ है, मतलब जिसका लोप किया था, उसके बाद में स्वर के बाद में स्वर आया, तो उसका लोप कर दिया, अर्थात जिस दा में भी आ है, देखो यहाँ से ऊपर से देखना पड़ेगा, इस दा में भी आ है, इस सा में भी आ है, तो सा का जो आ था उसका लोप कर दिया और ई उस पर संधि हो गई, तो इसलिए यहाँ पर त्रिदशीसो सा का ई की मात्रा लग गई, यानी आ का लोप करके, जैसे सा में आ है तो आया और उसके बाद में ई है, तो इस आ का लोप कर दिया 10वें नंबर के सूत्र से। तो 1/10 नंबर के सूत्र से आ स्वर का लोप, ये काम लिखेंगे, आ स्वर का लोप और संधि दो काम किए उसने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ शीशो इसकी प्राकृत प्राप्त हुई। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसके बाद। अगला उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है, निश्वासः निश्वासः उत्थितः श्वासः
ये संस्कृत का शब्द है, इसका पूरा पूरे जो संधि करके बनाएंगे शब्द तो इसका बनेगा निश्वासो निश्वासोच्छ्वास। वासव, ये संस्कृत का शब्द है। इसकी प्राकृत बनेगी निसासु सासा। ये इतना बड़ा शब्द था निश्वासोच्छ्वासो, इसलिए इसको तोड़ करके हमने ऊपर लिखा। निश्वास शब्द निकला निश्वासः, धन इसमें जो ऊ है ये उत, यहाँ ताकत चा हुआ है, और उच्छ्वास शब्द है ये, उच्छ्वास का तोड़ के लिखा उत धन श्वासः, अर्थात ये निश्वासोच्छ्वासो शब्द है जिसका प्राकृत में बनेगा निसासु सासा। अब इसकी अपन को प्राकृत करनी है, कितने सूत्र लगेंगे? अब जो बड़ा शब्द है तो निश्चित रूप से इसमें शब्द भी ज्यादा प्रयोग होंगे, अर्थात देखते हैं। सबसे पहले तो हमें विभक्ति रिमूव करना है ना? तो विभक्ति के लिए क्या करना होगा? वही सूत्र लगाएंगे, 3y2 नंबर का सूत्र, जिसमें विभक्ति लोप करते हैं यानी ओ की प्राप्ति होती है, जिससे सी प्रत्यय में 3y2 से पुल्लिंग सी प्रत्यय, ओ की प्राप्ति। ऊपर वाले शब्द से बनाएंगे अपन, सबसे पहले अंत का शब्द देख लेते हैं श्वासहा, उसको बनाते हैं। तो ये हो गया श्वासो, ठीक है। श्वासो के स्थान पर अब क्या करना है हमको, जो तालव्य सा है उस सा के बाद में वा है, यानी ये संयुक्त व्यंजन है, इस वा का लोप किया। तो वा का लोप करने के लिए जो सूत्र है सर्वत्र लवराम वंद्रे, यानी 2/79, इससे वा का लोप किया। यहाँ जो आ बचा दीर्घ आ, वो इस सा में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया शासो। फिर इस सा का भी अपन क्या कर देंगे, तालव्य सा का दंते सा, तो 1/260 नंबर के सूत्र शशोषाह, इससे दंते सा किया, तो ये बना सासो। यहाँ ये सासो ही बनेगा, सासो। इतना हो गया श्वास शब्द का, पन्ने सासो बना लिया। अब उसके बाद में आगे चलेंगे, तो यहाँ जो उत प्रत्यय लगा हुआ है, उत शब्द जुड़ा हुआ है, उत क्या है, उपसर्ग। श्वास शब्द में उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंत व्यंजन को लोप कर देंगे, यानी जो 1/13 नंबर का जो सूत्र है निर्वरवा, इसमें इसके यहाँ का इसमें भी निर उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इससे हम सबसे पहले यहाँ आकर के ताका लोप करेंगे, और यहाँ नी में जो रा आता है निर उपसर्ग है, ये विसर्ग जो लगा है इसके स्थान पर रा आता है, उसका लोप करेंगे। तो बीच के पहले ताका लोप किया, तो ऊ में से उत में से ताका लोप किया, कौन से सूत्र से, 1/11 नंबर के सूत्र से अंत व्यंजन से, इससे ताका लोप किया अंत व्यंजन से, यानी उत का बना ऊ, ठीक है, अकेला ऊ रहा, और इसको दीर्घ ऊ करेंगे किस सूत्र से, 1/4 नंबर के दीर्घ ऋषो मिथोवृत्त, जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, इस ऊ से दीर्घ ऊ किया, दीर्घ ऊ। उसके बाद हम निश्वास शब्द को भी देख लेंगे, निश्वास शब्द में भी यही सारे सूत्र लगेंगे, और ये सातों बनेगा, इसके पहले जो नी उपसर्ग लगा हुआ है सिर्फ उसमें ही चेंज होगा, नी उपसर्ग वाले के लिए सूत्र लगाया है 1/13 नंबर का निर्दुर रोरवा, निर्दुर रोरवा, इससे निर उपसर्ग में रा का लोप। निर में रा का लोप, अर्थात इसको हम निर उपसर्ग कहेंगे,
नी लिखा हुआ है ना, उसका अर्थ ये निर उपसर्ग जुड़ा। तो निर उपसर्ग में से रा का लोप किया है, नी अकेला बचा और विसर्ग लोप हो गया। विसर्ग का मतलब भी रा है, इसलिए अकेला नहीं बचा। फिर इसको यहाँ दीर्घ करेंगे। इस सूत्र से दीर्घ करने के लिए जो सूत्र है वही जो अभी अपन ने लगाया था, दीर्घ ऋषभ मिथौ, यानी उस सूत्र से यहाँ नी का ई दीर्घ हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन एक और सूत्र है लुकिरनिर, अर्थात कुछ लोप होने पर दीर्घ किया जाता है स्वर, उसके लिए 1/93 नंबर का सूत्र है लुकी ने रहा, लुकी ने रहा, यानी निर उपसर्ग में लोप होने पर नी का ई जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। तो बन गया नी, और ये श्वासाह शब्द को अपन ऊपर वाले सभी सूत्रों को लगा करके, 1 2 3, ये तीनों सूत्रों को लगा करके सीधे लिख देंगे सासो। नी सासो, लेकिन हमें शब्द चाहिए नी सासु सासो, अर्थात पू चाहिए ओ के स्थान पर। तो 1/10 नंबर का सूत्र कहता है यदि स्वर के बाद में स्वर आए तो क्या होता है, जैसे ऊ बचा ना, नी सासो ऊ और सासो, ये शब्द अपना पूरा टोटल बना है, नी सासो ऊ सासो। इसमें ओ स्वर है, ओ स्वर के बाद में ऊ स्वर आ रहा है, यानी दो स्वर आए तो एक स्वर का लोप हो जाएगा, यानी पहले वाले स्वर का लोप हो जाएगा, अर्थात ओ का लोप हो जाएगा और ऊ स्वर की इसमें संधि हो जाएगी। किस सूत्र से, 1/10 से ओ का लोप और दीर्घ ऊ का संधि। ये बन गया नी सा सु सा सो, ये शब्द। पुनः एक बार अपन पूरे सूत्रों को देखेंगे। सबसे पहले इसका विभक्ति प्रत्यय हटाया 3/2 से, अर्थात सेडो से सूत्र से पुल्लिंग सी प्रत्यय ओ की प्राप्ति की, अर्थात यहाँ पर ओ आ गया, ये श्वास शब्द में ओ आया। फिर उसके बाद में ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें वा का लोप किया, सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से वा का लोप किया, इसमें जो दीर्घ आ स्वर है इस सा में जुड़ जाएगा, यानी सासो बचा। फिर तालव्य शाखा अपन को दंत शाखा करने के लिए सूत्र लगाया शशोषाह, इस शा से सा किया, यानी सासो शब्द बना। उसके बाद जो उत उपसर्ग है इसका ता व्यंजन लोप करने के लिए अंत व्यंजन से सूत्र लगाया, तो ये अंतिम ता जो है इसका लोप हुआ था, ऊ स्वर शेष बचा। इसको दीर्घ करने के लिए दीर्घ ऋषो मिथो वृत्तो 4 नंबर का सूत्र लगाया, ये दीर्घ हो गया। अब आगे वाला शब्द देखा निश्वासाहा, तो श्वासा शब्द ऐसे ही लिखा रहने दिए क्योंकि अपन ने ऊपर भी श्वासा का सासो बना लिया है, इसलिए ऐसा कि ऐसा लिख देंगे। और यहाँ जो निर उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं मतलब निर उपसर्ग, तो इस निर उपसर्ग का रा लोप करने के लिए सूत्र लगाया है निर्दो रोरवा, निर में रा का लोप, तो इससे क्या हुआ नी का रा यानी विसर्ग जो था वो लोप हो गया, नी स्वासाहा बना। और इस नी की ई दीर्घ करने के लिए लुके निराहा इस सूत्र का प्रयोग किया, जिससे ई स्वर को दीर्घ ई किया, तो नी स्वासाहा बना। और इस स्वासाहा के स्थान पर ये तीनों सूत्रों को लगा करके फिर से ये सासो शब्द की प्राप्ति होगी, यानी नी सासो बना और ऊ धन ऊ धन सासो, ये चार की तीन चीजें आई। अब तीनों को आपस में संधि करना है, और ये ओ स्वर के बाद में ऊ स्वर आ रहा है, तो 10वें नंबर का सूत्र कहता है लुक, इस सूत्र से पहले स्वर का लोप हो जाएगा, अर्थात ओ का लोप हो जाएगा और दूसरे सूत्र की संधि हो जाएगी, तो नी सासु, ये सा में ऊ जुड़ जाएगा, तो नी सासु और ये सासु, ये पूरा रूप अपना सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये 10वें नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे हम 11 नंबर का।
अगला सूत्र है अंतिम व्यंजन से, जिसका भी अपन ने उपयोग किया था। 11 नंबर का सूत्र है अंतिम व्यंजन से, अंत व्यंजन से। ये सूत्र, ये क्या कह रहा है ये सूत्र? अंत व्यंजन से मतलब शब्द के अंत में जो व्यंजन है उसका लोप हो जाता है। अब जितने भी सूत्र आएंगे इस लुक शब्द के आगे, मतलब लुक सूत्र के आगे, सभी लोप वाले आएंगे, यानी जिस जिसका लोप होता है वो सूत्र बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं अंत व्यंजन का लोप होता है। तो जैसा कि अभी अपन ने उस शब्द में से ता व्यंजन का लोप किया था, ऐसे ही यहाँ पर अपन को बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिनका अपन लोप करके बनाएंगे। उदाहरण है यावत, यावत इसकी प्राकृत बनती है जाव। ये अव्यय है, अव्यय में अव्यय का अर्थ क्या होता है? वो स्थिर रहता है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई प्रत्यय नहीं लगते, ना विभक्ति के ना धातु प्रत्यय, कोई प्रत्यय लगा करके उन शब्दों को वाक्य निर्माण में नहीं बनाया। जब वाक्य बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उस समय जिन शब्दों में कोई भी प्रत्यय नहीं लगाए जाते वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। ये अव्यय कहलाता है। यावत शब्द का बनता है प्राकृत जाव। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसी 11वें नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतिम व्यंजन से, यानी ये अंतिम व्यंजन का लोप किया, तो क्या बन जाएगा यहाँ? याव, एक वाय 11 से ता का लोप किया। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कागा चाजा तादा पाए वाम पाए लोप, उस सूत्र का भी तो उपयोग कर सकते हैं ता का लोप करने के लिए। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, हम उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन ये शब्द, ये सूत्र कह रहा है कि अंतिम में जो व्यंजन है, और अंतिम में पूरा व्यंजन नहीं, स्वर रहित व्यंजन जो है, हलंत वाला व्यंजन जो है, उसका लोप करते हैं। अब ये इस शब्द में अपना ता है, कोई दूसरा व्यंजन होता तो उसका भी लोप हो जाता, ठीक है? इसका यही काम है। याव शब्द बना। अब आदेर योजना, एक सूत्र आपने पढ़ रखा है, जिस सूत्र से या का आदि में यदि या हो तो जा हो जाता है। 1y245 नंबर का सूत्र है आदेर योजना। आदि में यदि या हो तो उसका जा आदेश हो जाता है, ये बन गया जा। छोटा सा उदाहरण है। अब कुछ इसमें उदाहरण हम आपको होमवर्क में भी देंगे जो आपको बनाना है। जैसे इसके बाद है होमवर्क आपका, कौन कौन से शब्द आपको बना के लाने हैं। तावत, बिल्कुल सरल है। यशस, इसमें सा व्यंजन अंत में है, ये सा व्यंजन का लोप करेंगे तो यश बचेगा, और यस में ये आदर्य योजा सूत्र से जस, और ये तालब्य सा को दंति सा, अर्थात इसको आपको प्रयोग करके बताना है कैसा क्या बनेगा उसकी प्राकृत। और उसके बाद तमस, ये तीन उदाहरण आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसके बाद अगला उदाहरण एक अपन यहां से देख लेते हैं। जनमन, जनमन इसकी प्राकृत बनेगी जम्मो। इसमें अंत में ना व्यंजन है तो इस ना का लोप हो जाएगा, 1y11 से ना का लोप किया। शब्द बना जन्म। अब जन्म में ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द में अभी हमने देखा है विभक्ति लगाई जाती है तो ओ की प्राप्ति होती है। तो इसका जो मूल शब्द था जन्म का, वो जन्मन था, यानी अंत व्यंजनांत प्रत्यय था, अंत व्यंजनांत शब्द था, तो इसलिए इसके स्थान ये पुल्लिंग शब्द इसको बनाएंगे। तो पुल्लिंग की प्राप्ति के लिए अपन को सूत्र लगाना है 1y12
32 नंबर का सूत्र है, जिस सूत्र से इस शब्द को हम पुल्लिंग बनाएंगे यानी पुल्लिंग की प्राप्ति करेंगे। तो ये कौन सा शब्द है, तो एक बार 32 नंबर का सूत्र देखेंगे। स्नम दाम शिरोनाभा, यानी इतने शब्द दामन सिरस या नभस, इन शब्द के जो व्यंजनांश शब्द हैं ये सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी सूत्र के हिसाब से जन्म शब्द को हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, तो ये जो अंतिम विभक्ति ओ है ये लगाएंगे, इसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। अर्थात इससे हमने पुल्लिंग बनाया, इस सूत्र से क्या बनाया, शब्द को पुल्लिंग की प्राप्ति। पुल्लिंग की प्राप्ति अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें अंतर कुछ नहीं आएगा। अब ओ लाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो 3y2 नंबर, जिसमें पुल्लिंग का सी प्रत्यय, ओ की प्राप्ति, अर्थात यहां बन गया जन्मो। ठीक है, अब बीच का जो ना है इसका लोप करने के लिए, अंतिम ना तो अंतिम व्यंजन से लोप हो गया लेकिन बीच का ना, तो सूत्र है उसके लिए 2y78 नंबर का सूत्र है, अधो मनयाम। अधो मनयाम इस सूत्र से ना का लोप किया, ना का लोप करेंगे तो जो शेष बचेगा उसका द्वित्व हो जाएगा यानी माँ का दुत हो जाएगा। तो 2y89 सूत्र से अनादव शेषा देशो दित्यम, उस सूत्र से माँ को दुत कर दिया। जम्मू ये अधो मनयान सूत्र जो है इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेना। अधो यानी नीचे, मा ना या, ये तीन व्यंजन हो, मा हो ना हो या हो, इन तीनों व्यंजनों का लोप हो जाता है। नीचे का मतलब है जो संयुक्त व्यंजन हो उसमें दूसरा वाला है उसको नीचे कहा जाएगा, यानी जो जा यदि ना है इसमें ना आगे लगा हुआ ना, तो इसको कहा उन्होंने ना का इस सूत्र से अधोमनयाम में से लोप कर दिया, अर्थात जो शेष बचा मा उसको द्वित किया, तो जम्मो शब्द की प्राप्ति हो गई। चलिए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। सूत्र का जो पुल्लिंग की प्राप्ति की है ना, तो हमने जो आपको उदाहरण दिए हैं उनमें भी वह सूत्र प्राप्त होगा। स्नम दान सरो वाला सूत्र जो है उससे उन शब्दों को पुल्लिंग बना करके और सी प्रत्यय लगा करके ओ लगा करके उन शब्दों को बनाना होगा। अगला शब्द है सद भिक्षु। सद विक्षु, इसकी प्राकृत बनेगी सविक्खु। सविक्खु अर्थात ये शब्द कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द तो है लेकिन उकारांत शब्द है, और उकारांत शब्दों के लिए क्या होता है, सूत्र है अक्लीवे सऊ, मतलब जिस शब्द में ऊ हो अंत में उसको दीर्घ कर दिया जाता है, अर्थात अक्लीवे सऊ सूत्र का प्रयोग करके हम उसको दीर्घ कर देंगे और उसका बनेगा सद्विक्षु। इसको दीर्घ करिया, सद्विक्षु। तीन वाय 19 नंबर के सूत्र से उकारांत पुल्लिंग
प्रत्यय दीर्घ हो जाता है, उ का दीर्घ उ, ये हो गया विसर्ग हट जाएगा, दीर्घ हो गया, शिक्षा का खा किया, दो बाय तीसरे नंबर का सूत्र जो लगाएंगे उससे छाखा खा कर देंगे, छा खा क्वचितु क्वचितु छा और झाऊ, ये सूत्र है, इससे छा के स्थान पर खा आदेश किया, खा का आदेश करने के बाद में खा को द्वित्य करेंगे, 2/89 सूत्र से खा का द्वित्य किया, खा दूसरा वर्ग का दूसरा अक्षर है इसलिए 2/90 नंबर से खा के स्थान पर का आदेश कर देंगे और यहाँ लिखेंगे सद विखु, पहले खा का द्वित्य करेंगे और दो खाएंगे तो एक खा के स्थान पर का आदेश कर देंगे। अब इस 1/11 नंबर के सूत्र से ये सद शब्द अलग है, सद जो है वो उपसर्ग है और भिक्खु शब्द अलग है, तो ये उपसर्ग में से अंत व्यंजनस से सूत्र लगा करके इस दा का लोप कर देंगे, तो ये आएगा सा भिक्खु। एक बार पुनः अपन देख लें इसको, 3/19 नंबर का सूत्र है अकलीवे सऊ, जिसमें उकारांत पुल्लिंग सी प्रत्यय को दीर्घ किया जाता है, तो ऊ का दीर्घ हुआ, ये छापे ऊ की मात्रा लगी हुई है उसको दीर्घ ऊ किया और विसर्ग हटा दिया, और छा के स्थान पर खा आदेश होता है, छा खा क्वचितु छजऊ, इस सूत्र से छा के स्थान पर खा आदेश किया, उसके पश्चात अनादव शेषा देशो द्वितीयम सूत्र से खा का द्वित्य कर देंगे, एक स्टेप नहीं लिखी है यहाँ, और उसके पश्चात में खा के स्थान पे का करेंगे, तो इस खा के स्थान पे का कर दिया कौन से सूत्र से, तो दूसरे नंबर 90 नंबर का सूत्र है द्वितीय तृतीय और उपरि पूर्वाह, उसे खा के स्थान पे का कर दिया और उसके बाद में ये दा का अंत व्यंजन से लोप कर दिया, अर्थात सवितु शब्द प्राप्त हुई, इस प्रकार से इस शब्द की हमें प्राप्ति हो गई। आगे हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, श्री जीणे वाणी जग कल्याणे, जग जाने मद तमे मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम में जरा भवे रोगे हारी, तिथे ये राणम दिव्य थोड़ी जो पढ़ई सुड़ई मैये धरे, प्राणम में सुखे मानंतम धरिए, सासदे मोके पदम पावई, सासदे मोके पदम पावई, प्रमो जिनाणम।